भारतीय जनता ने इस आमिर खान को फिर एक बार बड़े अच्छे तरीके से सबक सिखाया है। और ये जो इनका ढीठ पना हुआ करता था ना कि मैं तो जी मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूं और मेरे से बड़ा जीनियस और टैलेंटेड हीरो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं है, तो इनके अभी उस भरम को भी आम जनता ने बड़े अच्छे तरीके से चकनाचूर कर दिया है। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि इनकी आखिरी फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद इन्होंने एक कसम खाई थी कि अब बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के अंदर अपना कमबैक नहीं करेंगे, क्योंकि आम जनता ने इनको बड़े बुरे तरीके से टारगेट करके रखा हुआ है। इनकी पीके जैसी पुरानी फिल्मों की वजह से जनता इतना ज्यादा तमतमाई हुई है कि अगर ये अपनी किसी भी फिल्म के अंदर एज ए हीरो एक्ट करेंगे तो इनकी फिल्म का सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसीलिए अभी इन्होंने ये डिसाइड करा कि अब से ये अपनी हर फिल्म को खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे और चुपचाप पीछे में बैठकर मोटा पैसा छाप लिया करेंगे। अपने इसी मास्टर प्लान के तहत आमिर खान ने अपनी एक्स वाइफ किरण राव को साथ में लिया और लापता लेडीज नामक एक वाहियात सी फिल्म बनाकर 1 मार्च के दिन सिनेमाघरों में रिलीज भी कर दी। इनकी इस फिल्म को अभी आम जनता ने इतना घटिया रिस्पांस दिया जिसकी तो मतलब कोई हद ही नहीं है। इनकी इस फिल्म को रिलीज किए हुए आज 5 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इन बीते 5 दिनों में इनकी यह फिल्म 5 करोड़ रुपयों का भी धंधा नहीं कर पाई है। और अगर मैं आप लोगों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो वो अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 4.95 करोड़ रुपए। यानी कि आमिर खान जो खुद को बहुत बड़ा डेढ़ शाणा समझते हुए इस फिल्म को पैसे कमाने का एक मास्टर प्लान समझ रहे थे, अभी उनका वो प्लान भी बड़े बुरे तरीके से चौपट हो चुका है। अब यूं तो भाई साहब आमिर खान की नजरों में इसने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे कि आम जनता इससे बहुत ही ज्यादा नफरत करे और इसकी एक के बाद एक सभी फिल्मों को फ्लॉप करवाती जाए। पर वहीं अगर आम लोगों की माने तो उन्होंने इसके जैसा नीच हीरो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं देखा, जिसने 32 सालों में 2 औरतों को तलाक दे दिया। सबसे पहली रीना दत्ता, जिसके साथ इसने साल 1986 में शादी करी और 2002 में तलाक दे दिया। उसके बाद किरण राव, जिससे ठीक 3 सालों के बाद बोले तो साल 2005 में इसने शादी करी और 2021 में उसे भी छोड़ दिया। ये वही आमिर खान है जो सस्ते टोटकों के नाम पर अपनी यंग एक्ट्रेसेस के हाथों में थूक कर उनको कोई बहुत बड़ी हीरोइन बनाने के दावे करता था। ये वही आमिर खान है जो पीके जैसी फिल्म के अंदर हिंदू देवी देवताओं का अनादर करता था। ये वही आमिर खान है भाई साहब जो सत्यमेव जयते जैसे शोज में बैठकर हर रात सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके उसे नीचा और गंदा बताने के प्रयासों में जुटा रहता था। ये वही बेशरम एक्टर है जो खुद तो 60 सालों का हो चुका है, जिसकी खाल लटक गई है और बहुत ही जल्द मुंह के सारे दांत झड़ जाएंगे, उसके बाद भी अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ आज तीसरी शादी करने के सपने देख रहा है और फिलहाल उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर हर दिन इधर उधर घूमता हुआ स्पॉट करा जाता है। उसके बाद ये कहता है भाई साहब कि मैंने तो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करा, आम जनता मुझे खामखा इतनी ज्यादा नफरत करती है और मेरा और मेरी फिल्मों का बहिष्कार करने के पीछे पड़ी हुई रहती है। अब इसके कर्म कांडों के बारे में मैं आप सभी लोगों को और क्या क्या बताऊं, खामखाई भाई साहब कईयों के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़ जाइए ना। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।